तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MSA टॉक्स पर। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की तरफ से एक बहुत बड़ी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन आया है जो हर स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि JSSC की तरफ से लगभग 6 विज्ञापन जो कि और पेंडिंग रिजल्ट और नियुक्ति से रिलेटेड वो रद्द कर दिया गया है। तो पूरी अपडेट पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे, साथ में आपको पंचायत सचिव और झारखंड TGT के बारे में बताएंगे कि पंचायत सचिव और TGT के लिए क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो एक एक करके पूरी इस जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। पहले क्या लिखा हुआ देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना दिनांक 1/11/2021 यानी आज ही का ये अपडेट है और ये नोटिफिकेशन आया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 821 दिनांक 5/2/2021 की कंडिका ख यथा इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व समूह ख अराजपत्रित समूह ग एवं समूह घ के पदों पर नियुक्ति हेतु वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित विज्ञापन जो कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या 3854 दिनांक 1/6/2018 संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20/11/2018 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित है तथा जिनमें अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, यानी जिनका अभी तक नियुक्ति पत्र जो है निर्गत नहीं किया गया है उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। यानी झारखंड में पेंडिंग रिजल्ट और नियुक्ति को लेकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो स्टूडेंट्स लंबे समय से इंतज़ार भी कर रहे थे पेंडिंग रिजल्ट को लेकर। तो इसमें हम ये भी बताएंगे कि किन किन जो विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे और TGT PGT वालों जो है उसके लिए और पंचायत सचिव उसके लिए भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो बात सामने आ रही है कि जिसको अभी तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है उन सभी को अपूर्ण मानते हुए विज्ञापनों को पूरी तरीके से निरस्त किया गया है। JSSC की तरफ से ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। तो इस मामले अब नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी, यानी अब नए सिरे से फिर से नए विज्ञापन निकालेंगे और फिर से बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जो पेंडिंग थी और जो विज्ञापन था उनको रद्द कर दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन किन विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तो उक्त के आलोक में आयोग द्वारा प्रकाशित निम्न विज्ञापन को रद्द किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्रम संख्या 1 विज्ञापन संख्या भी दिया हुआ है, उसका साल भी दिया हुआ किस साल में निकाला गया था, तो 3/2018 झारखंड राज्य अंतर्गत काराओं में वाहन चालक की भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2018 इसको रद्द कर दिया गया है। उसके बाद दो नंबर में देखिए 4/2018 झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 उत्पाद सिपाही जिसके लिए इंतजार कर रहे थे स्टूडेंट्स पेंडिंग रिजल्ट को लेकर उसको भी रद्द कर दिया गया है। तीसरा नंबर में है विशेष शाखा आरक्षी क्लोज कैडर प्रतियोगिता परीक्षा 2018। चौथे नंबर पर है 1/2019 झारखंड AANM प्रतियोगिता परीक्षा 2019 नियमित रिक्ति। उसके बाद पाँचवा नंबर में है 2/2019 झारखंड AANM प्रतियोगिता परीक्षा 2019 बैकलॉग रिक्ति। और छठा नंबर में है 3/2019 झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019, ठीक है। तो ये सारे 6 के 6 विज्ञापन जो कि पेंडिंग नियुक्ति और पेंडिंग रिजल्ट से रिलेटेड है इसको रद्द कर दिया गया है JSSC की तरफ से। अभी अभी ये नोटिफिकेशन आ रहा है। लेकिन अब आप लोगों का सवाल होगा कि पंचायत सचिव और TGT वालों के लिए, देखिए यहाँ पे आप लोग 6 के 6 देख रहे हैं लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी पंचायत सचिव और TGT वालों के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी उसके बारे में अभी कुछ नहीं आया है। यह जस्ट ये 6 जो विज्ञापन है इसी के बारे में आया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा कर रखिएगा। वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा।